एक्सपो में आते ही जो सबसे पहली गाड़ी दिखी है वो हमें ये थी टोयोटा करोला ऑल्टिस फ्लेक्स फ्यूल। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि करोला ऑल्टिस और एक्सपो में क्या कर रही है। नहीं भी पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ये जो एक्सपो में इसलिए खड़ी है क्योंकि ये उसका फ्लेक्स फ्यूल वर्जन है। फ्लेक्स फ्यूल वर्जन वो होता है जिसमें कि आप पेट्रोल के साथ इथेनॉल को भी मिलाकर गाड़ी को चला सकते हैं। अब इथेनॉल ये अभी नया नया आया है जो कि आपको पेट्रोल पंप पर भी अभी नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जब आपका इंजन में कंबशन होता है तो इथेनॉल उसमें डालने की वजह से पेट्रोल के साथ जो इंजन के अंदर ऑक्सीजन होता है वो भी ज़्यादा मात्रा में आता है और उससे पेट्रोल जो है ज़्यादा आसानी से जलता है और काफ़ी अच्छा जलता है, तो जिससे कि आपकी माइलेज बढ़ती है और इंजन पावर भी ज़्यादा देता है। तो अब हम आ चुके हैं हुंडई के पेविलियन पे, जिस पे कि आपको देखेंगी आयोनिक 5 और आयोनिक 6। ये दोनों गाड़ियाँ इंडिया में अब लॉन्च हुई हैं लेकिन बाहर ये पहले से ही लॉन्च हो चुकी हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ आती हैं, जो कि आपकी आयोनिक 5 है वो आपकी एक हैचबैक गाड़ी है और आपकी आयोनिक 6 वो एक सेडान गाड़ी है। डिज़ाइन की बात करें तो जो आपकी आयोनिक 5 है उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें आपको काफ़ी सारी लाइन्स देखने को मिल जाती हैं और जो उसकी हेडलाइट्स और जो टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी एक थोड़ा अट्रैक्टिव सा लुक बनाती हैं, जिसमें कि आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिखते हैं जो कि आपको 80s के काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन का आपको याद दिलाते हैं। मुझे तो खासकर दिलाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। आयोनिक 5 ज़्यादा अच्छी लगती है और आयोनिक 6 की अगर हम बात करें तो वो आपकी थोड़ी एक कूप स्टाइल डिज़ाइन में आती है, हालांकि उसमें 4 डोर दिए गए हैं और आपको पीछे टेल गेट के ऊपर एक डकटेल स्पॉइलर देखने को मिलता है जो कि पोर्शे 930 की याद दिलाता है। तो ये थी हुंडई की आयोनिक 5 और आयोनिक 6 जो कि काफ़ी मच अवेटेड गाड़ियाँ थी इंडिया में लॉन्च होने के लिए। तो हुंडई के आयोनिक ब्रांड से हटके एक अलग ही कोने में खड़ी हुई थी हुंडई की नेक्सो, जो कि हुंडई की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल है। तो नेक्सो के अंदर आपको 120 हॉर्स पावर देखने को मिलती है, 395 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। तो नेक्सो में आपको रीफ्यूल करने में 5 मिनट लगती है और एक बार रीफ्यूल करने के बाद आपको 600 किलोमीटर की रेंज आसानी से मिल जाती है। अब हम आ गए हैं ई वेव ईवा पर के पवेलियन पर। तो यहाँ ये जो गाड़ी देख रहे हैं दिखने में काफ़ी क्यूट है। तो ये जो गाड़ी है काफ़ी छोटी है, इसमें आपको 2 एडल्ट्स की सीटिंग मिल जाती है और एक आपको चाइल्ड की सीटिंग मिल जाती है और मुझे इसको जो लुक है काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये काफ़ी टॉल है और लेकिन जो इसका ट्रैक है वो काफ़ी नैरो है। फ्रंट का जो फ्रंट व्हील का ट्रैक है वो रियर व्हील के ट्रैक के मुकाबले में काफ़ी वाइड है और ये आपकी चेन ड्रिवन कार है तो मुझे नहीं लगता कि चेन ड्रिवन कार इतनी सक्सेसफुल होती है। और वैसे अगर गाड़ी की बात करते हैं आपकी सिटी ड्राइविंग को देखते हुए ध्यान में रख के बनाई गई है, क्योंकि शहरों में आपका ट्रैफिक जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो ये उसको ध्यान में रखकर ये गाड़ी बनाई गई है। तो हाँ भाई लोडो, अब हम आ गए हैं किया के पवेलियन पर। किया के पवेलियन पर आते ही आपको चमचमाती लाल रंग के अंदर EV6 क्रॉसओवर देखने को मिल जाती है। ये एक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जिसमें कि आपको रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर आपकी 5.2 सेकंड्स में टच कर लेती है। 77.4 किलोवाट आवर का आपको इसमें बैटरी पैक देखने को मिल जाता है और 708 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके चार्जिंग स्पीड की बात करें तो आपकी 10 to 80% सिर्फ 18 मिनट में चार्ज होती है अगर आप इसको 350 किलोवाट पावर वाले चार्जर से चार्ज करते हैं, जो कि अभी इंडिया में अवेलेबल है नहीं, तो इंडिया में आपको चार्ज करने में इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है। और पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे आपको एक बड़ी सी लंबी सी LED बार लाइट मिल जाती है जिसमें कि आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स इसी में इंटीग्रेट किए गए हैं और आपको साइड में फ्लश ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो ही गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम लुक बनाते हैं। और गाड़ी काफ़ी लो टू ग्राउंड भी है जो कि एक पूरी स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है इसको चलाते वक्त। और यहीं अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इसकी कंपनी ने रखी है 69,95,000 रुपये, तो तकरीबन 60 लाख इसकी प्राइसिंग है जो कि आपकी एक्स शोरूम प्राइस है। और जब आप इसको लेने जाएंगे तो आपको टैक्सेस के साथ इसकी प्राइसिंग और बढ़ जाएगी, तो प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है। तो अगली जो गाड़ी थी जो कि एल पेविलियन पे सबका ध्यान खींच रही थी वो थी
किया EV9। ये एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है जिसको पहली बार 2021 के LA ऑटो शो में रिवील किया गया था। ये आपकी फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप इसको सोलर पैनल के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। सोलर पैनल आपको इसको इसमें बोनेट में इंटीग्रेट किया गया है। इसके इंटीरियर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल मटेरियल का यूज़ मिल जाएगा। आपको इसके अंदर पॉपअप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, 27 इंच का डिस्प्ले आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्कुलर लुक आती है। पूरा स्टेज पे ऐसे खड़ी थी और किया के पवेलियन पर पूरी भीड़ इसी गाड़ी को देख रही थी। अब हम आ गए हैं किया के A4 के पास। यह आपकी नई कार्निवल है, तो कार्निवल का नाम बदलकर किया के A4 कर दिया गया है, जो कि काफ़ी एक अजीब सा नाम है। एक बात आपको देखते ही पता लग जाएगी कि ये पुरानी वाली कार्निवल से काफ़ी लंबी है। इसको काफ़ी मस्कुलर और एसयूवी वाला लुक दिया गया है। इसमें आपको वाइडर व्हील आर्चेस देखने को मिल जाते हैं और आपको जो बोनट्स पर लाइन है वो भी काफ़ी मस्कुलर सी लुक देती हैं। और इसमें आपके इंटीरियर में थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिल जाता है पुरानी वाली से। कुछ फीचर्स भी आपको नए मिलते हैं इसके अंदर और आपको बाहर से ब्लैकआउट पिलर्स दिए गए हैं। पीछे आपको कनेक्टिंग LED बार लाइट मिलती है, जो गाड़ी की लुक को काफ़ी एनहेंस करती है और काफ़ी प्रीमियम बनाती है। तो गाड़ी अंदर से भी काफ़ी प्रीमियम है और बाहर से भी और प्रीमियम हो गई है। तो ये किया कार्निवल का नाम चेंज करके KA4 रख दिया गया। तो अब हम आ गए हैं दूसरे हॉल के अंदर, जिसमें सबसे पहले आती है आपको मारुति सुजुकी का पवेलियन दिखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गए फ्रॉक्स के पास। सुजुकी फ्रॉक्स, जो कि आपकी एक नई बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड आपकी सुजुकी ने एक क्रॉसओवर को निकाला है। इसका फ्रंट डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो आपका काफ़ी ग्रैंड विटारा से मिलता जुलता है और रियर डिज़ाइन में आपको कनेक्टिंग LED बार लाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और रियर डिज़ाइन से मुझे ज़्यादा पसंद आया। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बढ़ाया गया है थोड़ा सा बलेनो से। अंदर आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, HD डिस्प्ले मिल जाता है, 360-degree कैमरा मिल जाता है। आपको दो इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, 1 liter बूस्टर जेट और 1.2 liter डुअल जेट डुअल PVT इंजन, जो कि बूस्टर जेट आपका 100 horsepower देता है और डुअल जेट 1.2 liter आपका 90 horsepower देता है। आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है 1 liter बूस्टर जेट इंजन के साथ में, और उसी के साथ में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी देखने को मिल जाती है। तो अगली जो गाड़ी है जिसका सदियों से इंतज़ार हो रहा था वो है सुजुकी जिम्नी। सुजुकी जिम्नी जो कि 1970 में फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी, वो इंडिया में नहीं आई। उसका सेकंड जनरेशन जो कि जिप्सी के नाम से, वो इंडिया में आया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन दोबारा से इंडिया में नहीं आई, और अब फोर्थ जनरेशन जो कि फाइनली इंडिया में आ रहा है काफ़ी सदियों के बाद। तो ये अब इंडिया में फाइनली मई के आसपास जाके लॉन्च होगी, और अभी इसका रिवील हुआ है। और अभी इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो आपको हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, आपके ऑफरोडिंग के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ब्रेक LSD आपको ट्रैक्शन कंट्रोल में मदद करता है वो मिल जाता है, ऑल ग्रिप प्रो 4x4 आपका ऑफरोडिंग मोड मिल जाता है जो कि आपका लो रेंज के गियर के साथ आता है, और आपको 5-speed मैनुअल 4-speed ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन इसमें देखने को मिल जाता है। और इंजन अभी एक ही अवेलेबल है, जो कि आपका 1.5 liter पेट्रोल इंजन है, जो कि आपकी 105 horsepower देता है। तो ये गाड़ी अब फाइनली लॉन्च होने वाली है इंडिया में, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब हम आ गए हैं सुजुकी EVX पर। ये एक सुजुकी का SUV, इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट है, जो कि सुजुकी का क्लेम है कि वो 2025 तक इसको मार्केट में ले आएंगे। इसमें आपको 4x4 ड्राइव ट्रेन मिल जाएगी, 60 kWh की आपको बैटरी पैक इसमें देखने को मिल जाएगा, और आपको 550 km की इसमें रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक एस्टिमेटेड रेंज है। तो अब हम आ गए हैं टोयोटा के पवेलियन पर। टोयोटा के पवेलियन पर सबसे पहले दिखती है नीले रंग में चमचमाती टोयोटा मिराज। इसके अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो आपको कूफ रूफ लाइन आपको देखने को मिल जाती है 4-door के साथ में, और काफ़ी लोअर है ग्राउंड के, जो कि काफ़ी एक अच्छी स्पोर्टी फील देती है। और आपको फ्रंट में मैसिव ग्रिल देखने को मिल जाती है, पीछे आपको LED कनेक्टिंग बार लाइट्स मिल जाती हैं, जो ये काफ़ी अच्छी लुक में बनाती हैं गाड़ी को। और ये अगर आप बात करें इसकी टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि आपकी 640 km की आपको रेंज देती है। 180 के अराउंड आपको इसमें हॉर्स पावर मिल जाती है। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं होगी, अभी इसका सिर्फ टेस्टिंग चल रही है इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, और इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही लॉन्च हो रखी है। तो रियर व्हील ड्राइव ट्रेन इसमें मिलती है। तो गाड़ी का डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल EV है, तो देखते हैं ये कब लॉन्च होती है और
हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवी अभी नॉर्मल ईवी ही लोग मुश्किल से ले रहे हैं, तो ये तो उससे ही ऊपर है, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको अगली जो गाड़ी दिखाई दे रही है ये है आपकी टोयोटा BZ4X। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, XLE और लिमिटेड। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सब कॉम्पैक्ट SUV है, जो कि इंडिया में कब लॉन्च होगी इसका अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको XLE वेरिएंट में आपको 405 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है और लिमिटेड वेरिएंट में आपको 390 किलोमीटर की रेंज मिलती है। दोनों ही वेरिएंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव अगर आप लेते हैं तो आपको 201 हॉर्स पावर मिलती है, और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव मोटर लेते हैं तो उसमें आपको 214 हॉर्स पावर मिलती है। दोनों में ही आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी का डिज़ाइन सबको पसंद आने वाला नहीं है, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, काफ़ी अजीब थोड़ा डिज़ाइन है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो अगली गाड़ी है आपकी टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज़। ये आपकी 2 अगस्त 2021 को जापान में लॉन्च हो गई थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़े टाइम बाद लॉन्च हो गई थी, लेकिन इंडिया में ये अब 2023 में आ रही है, तो पूरे 2 साल बाद। और इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, GX, ZX और GR Sport। ये आप लैंड क्रूजर देख रहे हैं, आपकी 300 सीरीज़ लैंड क्रूजर है जो कि 200 सीरीज़ को रिप्लेस कर देगी, और ये 200 सीरीज़ से 200 किलो हल्की है, 200 किलो हल्की है, लेकिन लगता नहीं है देखने में, क्योंकि काफ़ी टॉल लुक है और काफ़ी ब्रॉड है। और आप डिज़ाइन देखें तो फ्रंट में तो पूरी ग्रिल दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको 6 मल्टी टेरेन मोड्स मिल जाते हैं ऑफ रोडिंग के, 3.5 लीटर V6 ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है और 3.3 लीटर V6 ट्विन टर्बो डीजल इंजन में मिल जाता है। पेट्रोल इंजन आपका 415 हॉर्स पावर देता है और डीजल इंजन आपका 309 हॉर्स पावर देता है, और 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है।